दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल गढ़वाल रैंडम व्यू में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गढ़वाल राइफल्स के बारे में। ये गढ़वाल राइफल्स का दूसरा पार्ट है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। 18 मई 1947 आजाद भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने की फिराक में था और भारतीय सेना उन्हें करारा जवाब दे रही थी। कश्मीर में मौजूद चिटवाल पर कब्जा पाने के लिए भारतीय फौज की एक ब्रिगेड आगे बढ़ रही थी। इस ब्रिगेड में खाल बटालियन शामिल थी। इस बटालियन ने दुश्मन पर आक्रमक वार करते हुए प्रयागराम की पहाड़ी को छुड़ाना था, साथ ही दुश्मन को भी उलझाए रखना था ताकि बाकी की सेना दक्षिण की ओर से चिटवाल पर हमला कर सके। उस रात इस टुकड़ी में सैनिक कम थे, लेकिन ये कमी उनके हौसलों में नहीं थी। उन्होंने जान की बाजी लगाते हुए अपने से ज़्यादा संख्या में मौजूद दुश्मन पर सामने से हमला कर दिया। लड़ाई में बहुत से जवान शहीद हुए और घायल भी, लेकिन वो तब तक लड़ते रहे जब तक कि बाकी की फौज आगे बढ़ने की खबर उन तक नहीं पहुंची। प्रयागराम पर कब्जा होने के बाद यह सेना चिटवाल के दूसरे हिस्सों को महफूज करने के लिए आगे बढ़ गई। कई पेट्रोल्स यहाँ दुश्मन का सामना करती रही, लेकिन उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। इस बटालियन की शौर्य के चलते ही चिटवाल पर पूरी रात से कब्जा हो पाया। यह कारनामा दिखाने वाली फौज थी गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स ने सिर्फ चिटवाल की लड़ाई ही नहीं बल्कि हर उस लड़ाई में वर्चस्व कायम किया जहां उन्हें भेजा गया, लेकिन एक कीर्तिमान उस लड़ाई में स्थापित हुआ। रेजिमेंट की इस तीसरी बटालियन को एक ही लड़ाई में कई वीरता पुरस्कारों से नवाजा गया। एक महावीर चक्र, 18 वीर चक्र, 2 शौर्य चक्र और वहीं से शुरू हुआ सिलसिला आज़ाद भारत की हिफाजत का। 1891 गढ़वाल रेजिमेंट को नाम दिया गया गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और इनका चिन्ह बना माल्टीज क्रॉस, जो उस समय की राइफल ब्रिगेड का चिन्ह था। माल्टीज क्रॉस एक चिन्ह है जिसे हम बहादुरी का चिन्ह भी कहते हैं। 16वीं शताब्दी में जब क्रूसेडस हो रहे थे तो क्रूसेडस के आगे नाइट्स चलते थे, वो अपना चिन्ह लेके चलते थे जिसे हम नाइट्स ऑर्डर ऑफ माल्टा भी कहते हैं, जिनका चिन्ह था जो कि अभी तक गढ़वाल रेजिमेंट का बैच है। इसमें माल्टीज क्रॉस के कोनों में शेर का निशान आया। माल्टीज क्रॉस के अंदर 2 सर्कल थे जिसके बीच में रेजिमेंट का नाम था, जिसमें गढ़वाल राइफल रेजिमेंट लिखा गया। सर्कल के अंदर में हॉर्न बिगल था जो कि लाइट इन्फेंट्री और राइफल ब्रिगेड का साजो सामान का हिस्सा था। ये नॉर्मल बिगल के बजाय हल्का था और इसकी आवाज़ भी तेज थी। पूरे माल्टीज क्रॉस के ऊपर फिनिक्स थे और फिनिक्स के ऊपर इंपीरियल क्राउन था। यह चिन्ह 1947 में कुछ बदला। इसके साथ जुड़ा भारत का अशोक स्तंभ। मार्च 1901 में सेकंड गढ़वाल बनाई गई। इसकी स्थापना लेफ्टिनेंट कर्नल एविटियस के नेतृत्व में लैंसिडॉन में हुई। उस समय उसका नाम 49 द गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री था। उसी साल के नवंबर में दोनों बटालियनों का नाम बदली हुआ और उनका नाम बदलकर इसको कहा गया 1st and 2nd बटालियन ऑफ 39 गढ़वाल राइफल। शिवालिक पहाड़ी के गोद में बसा लैंसिडॉन और यहीं से शुरुआत होती है मध्य हिमालय की। लैंसिडॉन 1921 से गढ़वाल राइफल्स का घर रहा है। गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर न केवल गढ़वाल क्षेत्र के दिल में बल्कि यहाँ के सैनिकों के दिल में भी बसता है। गढ़वाली सैनिक गढ़वाल के 53 क्षेत्रों से आते हैं। गढ़वाली सैनिक हिम्मत और जोश से भरे होते हैं क्योंकि इन्हें हिमालय के कठिन वातावरण में जीना खूब आता है। गढ़वाली लोग हमेशा से ही वीरता और साहस के लिए जाने जाते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण ही अपने 125
वर्ष के गौरवपूर्ण इतिहास में कई युद्ध जीत कर अपनी गढ़वाली रेजिमेंट को गौरवान्वित किया है। सैनिकों को प्रशिक्षण में सिर्फ एक सैनिक ही नहीं अपितु एक अच्छा नागरिक भी बनाया जाता है। यहाँ सैनिकों को अपने संबंध बेहतर बनाना भी सिखाया जाता है ताकि सैनिक भाईचारे की सच्ची मिसाल बन सके। फरवरी 2012 में गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम है सतत मिलाप। अब यह एक संस्था का रूप ले चुका है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे गढ़वाल रीजन को 21 हिस्सों में बांटा गया है। हर टीम अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करती है और हर एक परिवार से मिलने की कोशिश करती है। हर टीम अपने क्षेत्र में लगभग 20 से 25 दिनों का समय गुजारती है। सतत मिलाप के कारण सैनिक अपने अनुभवी सीनियर्स के संपर्क में रहते हैं और मिलजुल कर अपनी परेशानी को सुलझाते हैं। पिछले कई वर्षों से सैनिकों के सतत मिलाप से गढ़वाली सैनिकों के जीवन में बहुत सकारात्मक सुधार हुआ है, जिसके कारण भूतपूर्व सैनिकों के अंदर रेजिमेंट को लेकर आज भी अपनेपन का भाव है। सतत मिलाप के कारण भूतपूर्व गढ़वाली सैनिकों को बहुत फायदा हुआ है। इसके साथ ही वीर शहीदों की विधवाओं को भी लाभ मिल रहा है। ये प्रयास बहुत अधिक आगे बढ़े और आगे भी हम सब संपर्क में रहें, इसकी प्रार्थना के साथ ही हम गढ़वाली रेजिमेंट को उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर आपने गढ़वाल राइफल्स का पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.